जानकारियां। मेरे सारे हिंदुओं ये बात जान लीजिए, अब सब अब की बार घर से निकल। बीजेपी की माधवी लता हारने के डर से इतना घबराई गई कि ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी वोटिंग पोल पे जाके, जो कि मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ एक हिंदुओं को स्पेशल मैसेज देते हुए एक वीडियो भी शेयर करा, जो कि मैं आपको वो भी वीडियो दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता हो कि आज हमारे देश के अंदर चौथे चरण के लिए इलेक्शन चालू है, और ऐसे में हैदराबाद में भी इलेक्शन चालू है। और हैदराबाद के अंदर माधवी लता इसके अपोजिट खड़ी हुई, वो भी आप सभी को बताऊंगा, असदुद्दीन अवैसी की। और आप सभी को पता हो कि जब से ऐलान हुआ कि माधवी लता असदुद्दीन अवैसी के इलेक्शन में खड़ी, तो जब से वो चर्चे में थी, मतलब आए दिन उनके कई सारे वीडियो वायरल होते थे, कभी वो मस्जिद की तरफ तीर चलाते हुए, कभी नफरत बयान देते, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियो उनके वायरल होते रहते थे। लेकिन ऐसे में आप सुधा दो, आज है वोटिंग का दिन और माधवी लता इतनी बुरी तरह घबराई गई है कि वो खुद वोटिंग बूथ पे जाती है और जो पर्दानशी माँ बहनें थी मुस्लिम, उनका पर्दा हटा के उनको चेक करती है खुद होके। मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो दिखाने के बाद आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो हिंदुओं के लिए स्पेशल मैसेज देती है। लेकिन उससे पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, किस तरह से मुस्लिम माओ बहनों की मतलब पर्दा जो नशी है उनकी, मतलब पर्दा हटा के उनको चेक कर रही है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि आपने माधवी लता का वीडियो देखा कि माधवी लता ने कितनी शर्मनाक हरकत की, वोटिंग बूथ पे जाके जो पर्दानशी मुस्लिम महिलाएं जो किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती है, वो बार बार उनको चेहरा दिखाने लगाई थी और चेक कर रही थी। अब कई सारे लोग ये भी बोलेंगे इसमें क्या हो गया, अगर उन्हें चेक कर ली, इसमें मुस्लिम महिलाओं को चेक कर ली, इसमें क्या हो गया। तो आप सुधा दो, इसमें कुछ भी नहीं है, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसने अधिकार दिया माधवी लता को कि वो चेक करे, क्योंकि वो तो खासदार बन रही, खुद इलेक्शन में खड़ी हुई है, वो चेक ही नहीं कर सकती। अगर चेक करना है तो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है, जो महिला उसके अंदर रहेंगी, वो चेक कर सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन माधवी लता को किसने अधिकार दिया कि वो जाके मुस्लिम महिलाओं का पर्दा हटा के चेक करे, सबके सामने उनका पर्दा बार बार निकालने लगाए, किसने अधिकार दिया। और आप बता दो, ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने एक स्पेशल हिंदुओं के लिए मैसेज भी दिया। आप सबसे पहले वो छोटा सा वीडियो देख लीजिए। सारे हिंदुओं ये बात जान लीजिए, अब सब अब की बार घर से निकलना ही पड़ेगा और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है, वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। हमको आपका इंतजार है, आपके इंतजार में हम हर बूथ पे फिर रहे हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हमको बता दीजिए, हम वहां पे आ जाएंगे। लेकिन घर से निकलिए, जीत की झंडा लहराना ही पड़ेगा हमको। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया कि माधवी लता कितनी घबरा गई है और कितना, मतलब आप सुधा दो कितना गिर चुकी है, मुस्लिम महिलाओं को चेक कर रही है और स्पेशल वीडियो बना बना के डाली। जबकि आप सुधा दो उनके अपोजिट जो खड़े हुए असदुद्दीन अवैसी ने बेहतरीन अपने फैमिली के साथ जाकर ओडी और एक फोटो भी शेयर कर, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहूंगा। तो ऐसे में आप सुधा दो माधवी लगता अभी पूरी तरह से घबराई हुई, और अभी कौन कौन से वीडियो सामने आना बाकी है वो तो अभी बता नहीं सकते, कहां कहां पे गई, कौन कौन सा कांड करी, क्या क्या होने वाला है हम बता नहीं सकते। अब आगे जैसे जैसे वीडियो आएंगे मैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर बता दूंगा,
तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए।